Hello dear students welcome to Bram school online study channel today we shall learn a new lesson please open your textbook as per the title of this video watch this video together with your textbook you must read the lesson from your textbook before watching this video please watch the video attentively and listen to all the explanations underline the difficult words or phrases learn their meanings if you have any queries, please write them in the comments box. Now, let's begin. 11. Components of the Environment and Interrelationships. Dear friends, welcome once again to our channel. Today, we are going to learn Social Science Class 7, Lesson 11 Components of the Environment and Interrelationships. Are you ready? Let's begin.

यदि पर्यावरण नहीं होता तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होता पर्यावरण के कारण मानव जीवन चलता रहता है पर्यावरण अस्तित्व विकास तथा प्रगति का प्रेरक बल है द वर्ड एनवायरमेंट मीन सराउंडिंग कवर द एनवायरमेंट इज द कवर ऑफ नेचुरल कॉम्पोनेंट्स अराउंड द अर्थ द दायरमेंट इज मेड अप ऑफ लिथ्विस्फियर हाइड्रोस्फियर एटमोस्फियर एंड बायोस्फेयर पर्यावरण शब्द दो शब्दों से बना है परि अर्थात आसपास या चारों तरफ और आवरण अर्थात ऊपर आई हुई विशिष्ट सतह या स्तर पर्यावरण अर्थात पृथ्वी के आसपास रचा प्राकृतिक घटकों का आवरण पर्यावरण यह मृदावरण जलावरण वातावरण और जीवावरण से बना है पर्यावरण के मुख्य दो प्रकार है प्राकृतिक पर्यावरण और मानव सृजित पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण में जैविक घटक जैसे कि वनस्पति सृष्टि प्राणी सृष्टि और मानव का समावेश होता है अजैविक घटकों में भूमि जल हवा आदि का समावेश होता है मानव सृजित पर्यावरण मानव के बुद्धि कौशल से जैविक और अजैविक घटकों के साथ आंतर क्रिया से बनता है कॉम्पोनेंट ऑफ दी एनवायरमेंट the environment is made up of four main components these four components include lithosphere hydrosphere atmosphere and biosphere we have studied about these four components in std 6 let us briefly understand about it paryavaran ke ghatak paryavaran mukhya char bana hai इन चार घटकों में मृदावरण जलावरण वातावरण और जीवावरण का समावेश होता है इन चार आवरणों के विषय में कक्षा सिक्स में अध्ययन किया था हम इनके विषय में संक्षिप्त में समझेंगे लिथिस्फियर लिथिस्फियर इज द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इट इज कंपोज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड इज कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल Lithosphere has multiple यूटिलिटी लाइक इट प्रोवाइड्स लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एग्रीकल्चर एंड रॉ material फॉर इंडस्ट्रीज मृदावरण पृथ्वी के ऊपर की ठोस परत को मृदावरण कहते हैं यह परत चट्टानों खनिजों और मिट्टी से बनी है मृदावरण की मुख्य उपयोगिता यह है कि वह सजीव सृष्टि के लिए आवास कृषि के लिए जमीन तथा उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करता है Hydrosphere. The low-lying area of Earth's surface is surrounded by water. It is known as hydrosphere. It is comprised of various sources of water like oceans, seas, lakes, rivers etc. It is essential for all the living organisms. Oceans are also rich in of various resources. Jalavaran. Prithvi ki satah ka nichla hissa pani se ghira hai. जिसे जलावरण कहते हैं जो पानी के विभिन्न स्रोत जैसे कि महासागरों समुद्रों नदियों झीलों आदि से बना है पानी सजीव सृष्टि के लिए अनिवार्य है तथा महासागर भी संसाधनों के भंडार हैं एटमोस्फियर एटमोस्फियर इज द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ atmosphere is made up of various gases water vapor dust particles alkali etc it protects life off on the earth by absorbing sun's harmful ultraviolet rays we can hear sound through atmosphere we are thankful to atmosphere for making us able to hear sound through means of communication broadcasting like radio television and mobile phones वातावरण पृथ्वी के चारों तरफ आए हवा के आवरण को वातावरण कहते हैं वातावरण विविध गैसों जलवाष्प धूल के रजकणों क्षारकणों आदि से बना है वातावरण सूर्य की पराबैंगी किरणों को शोषित कर जीव सृष्टि की रक्षा करता है वातावरण के माध्यम से हम आवाज सुनते हैं रेडियो टेलीविजन और मोबाइल फोन के संदेशा व्यवहार प्रसारण वातावरण को आभारी है बायोस्फेयर द पार्ट ऑफ लिथिस्फेयर हाइड्रोस्फियर एंड एटमोस्फेयर वे लाइफ इज परवेसिव इज कॉल्ड बायोस्फेयर आइट इंक्लूड्स फ्लोरा फोना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बीइंग्स लिविंग बींग्स अपटेन्स फूड एंड अदर नेसेसिटीज फ्रॉम बायोस्फेयर जीवावरण पृथ्वी पर मृदावरण जलावरण और वातावरण के जिस भाग में जीव सृष्टि व्याप्त है उसे जीवावरण कहते हैं इनमें वनस्पति प्राणियों जीव जंतुओं और मानव का समावेश होता है सजीव सृष्टि की खुराक और अन्य आवश्यकताएं जीवावरण में से प्राप्त पूरी होती है Dear students, this brings to the end of this part of the video. Hope, you must have understood everything. Do not hesitate to put your comments, queries or questions in the comments box. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don’t forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it’s goodbye from Bram School.